नमस्कार साथियों, स्प्रेडिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं समय समय पर ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे एनालिसिस लेकर आता रहता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों आप देख ही चुके हैं कि एक महीने पहले दोस्तों यहाँ पे मैंने जो एनालिसिस लेके आया था, यहाँ पे स्टॉक दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो आज के डेट में 75% दोस्तों इतना भाग चुका है। ठीक है, तो ऐसे एनालिसिस का लाभ आप भी ले पाएँ, और उसके लिए दोस्तों आपको चैनल को फ्री में दोस्तों फ्री कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, तो फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और ये एनालिसिस का लाभ ले सकते हैं, लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा दोस्तों, एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो रहेगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो पाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब किए बिना आप दोस्तों वीडियो देखते हैं तो नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको लेट भेजता है। ठीक है, तो सब्सक्राइबर्स को पहला प्रिफ्रेंस दिया जाता है, इसी वजह से सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री कॉन्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टॉक के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों हम स्टॉक के ऊपर आ चुके हैं, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आज के दिन स्टॉक मैसिव 10% के आसपास दोस्तों उछाल हुआ है स्टॉक में। ठीक है, और यहाँ लगातार तेजी आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल ही वैसा है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है, इसी वजह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इतना तेज़ी के बाद भी मैं यहाँ पे एनालिसिस लेके क्यों आया हूँ तो वो भी आपको वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 5 डे रिटर्न देखें तो 12%, 1 मंथ रिटर्न देखें तो 64% देख सकते हैं। ठीक है, और मैक्स रिटर्न्स देखें तो 109%, मतलब क्या कि स्टॉक दोस्तों ऑल टाइम अभी देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं भागा है। क्यों नहीं भागा है? क्योंकि दोस्तों स्टॉक अभी न्यूली लिस्टेड हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे 7 मार्च के आसपास ये स्टॉक लिस्ट हुआ है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट शो कर रहा है और यहाँ से 109, यानी स्टॉक लिस्ट तो दोस्तों अभी हुआ है, लेकिन स्टॉक कंपनी पुरानी है। आप इसके वेबसाइट पर जाओगे तो आप देख पाओगे। ठीक है, और ये स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक है दोस्तों, देख सकते हैं मार्केट कैप यहाँ पे आपको 5,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है और PE 74 के आसपास देखने को मिल। दोस्तों यहाँ पे जो PE है ये अपडेट नहीं हुआ है, ये अभी स्क्रीनर पे चलेंगे वहाँ पे कुछ थोड़ा PE 90 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज ये 10% भागा है इसलिए। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों जो मार्केट कैप है और PE है, स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, इसी वजह से, और 109% ही अभी बढ़ा है। ठीक है, आप देखे होंगे जो पुराने स्टॉक्स होंगे दोस्तों, जो लिस्टिंग जिसका बहुत पुराना है, वहाँ पे आप बराबर देखते होंगे कि 5,000% प्लस इतना परसेंट रिटर्न्स दिया हुआ है। तो और ये अभी 109% ही आपका बढ़ा है लिस्टिंग से, तो स्कोप इमेंस है दोस्तों। और दूसरा रीज़न क्या है, ये बिजनेस मॉडल क्या है स्टॉक का, तो वो भी जान लेते हैं। ठीक है, तो स्टॉक का नाम है दोस्तों एक्सिकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, और ये काम क्या करती है तो दोस्तों ये चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम करती है। ठीक है, और ये आपको पता है अभी 50% जो इंडियन यहाँ पे रोड्स है दोस्तों, 50% व्हीकल्स, चाहे किसी भी कैटेगरी के व्हीकल्स हो दोस्तों, ट्रक, बस, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, 16 व्हीलर, ठीक है, तो सारे कैटेगरी में दोस्तों आधे से अधिक दोस्तों आने वाले समय में आपको ईवी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ईवी आपको देखने को मिलेगा, तो इसे चार्जिंग करने के लिए दोस्तों चार्जर तो चाहिए ना, चार्जिंग स्टेशन चाहिए, तो ये स्टॉक वही काम करती है और अपने सेगमेंट का लीडर है दोस्तों। ठीक है, तो इसी वजह से इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज यहाँ पे मिलना तय समझिए। ठीक है, लेकिन कोई प्रिडिक्शन या बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत समझिएगा। ठीक है, अपना रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर ही कोई डिसीजन लेना। तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस दोस्तों चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टॉक है यहाँ पे तो इस अपडेटेड शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए मार्केट कैप 6,000 करोड़ हो चुका है आज 10% बढ़ने के बाद। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बुक वैल्यू 52 के आसपास है, मतलब बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया है, 9-9.5 गुना ही ऊपर है। ठीक है, आप बहुत सारा फ्यूचरिस्टिक स्टॉक देखेंगे दोस्तों, उसका बुक वैल्यू आपको यहाँ पे बहुत अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है?
ठीक है, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया है, ठीक है। और इस यहाँ पे देख सकते हैं जो डिविडेंड है यहाँ पे कंपनी नहीं दे रही है, मतलब कंपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि स्मॉल कैप लिस्टिंग अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए और डिविडेंड देना चालू कर दे तो ग्रोथ इसका स्लो डाउन हो जाएगा, इसीलिए कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, तो एक पॉजिटिव साइन ही हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। मैं नेगेटिव नहीं मान सकता इसे, ठीक। आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ROCE देखें तो दोस्तों 24.7%, ROE देखें तो 17%, मतलब इम्प्रेसिव ROCE और ROE है, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत ही शानदार है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो दोस्तों कंपनी में और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं इसे जानने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोज क्या क्या है। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट, कंपनी अपना जो डेप्ट है दोस्तों ये कम कर चुकी है, और कंपनी अभी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, मतलब बहुत ही कम डेप्ट है, और कंपनी डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट 35% CAGR से 5 साल में, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग न्यू हुई है लेकिन प्रॉफिट 5 साल का दिखा रहा है, मतलब कि कंपनी पुरानी है, ठीक है, लिस्टिंग न्यू है, ओके। कॉन्स में क्या क्या है, स्टॉक इज ट्रेडिंग है 9.55%, तो फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है दोस्तों और स्मॉल कैप है तो 9.5 गुना हो गया, तो दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आने वाले समय में दोस्तों प्रॉफिट जब कम बहुत ही शानदार होगी तो यहाँ पे दोस्तों ये जो बुक वैल्यू है ये भी आपको नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दे रही है, डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है, तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बट इसे भी कॉन्स में ही माना जाता है। तो देखिए कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 11.6% और लास्ट 3 ईयर्स, तो 11% भी ठीक ठाक है, कोई ख़राब नहीं है, और अभी कंपनी नई है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका बैलेंस शीट, यहाँ पे इक्विटी कैपिटल बढ़ा है, ठीक है, रिजर्व्स भी देखें तो रिजर्व भी लगातार बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी कोई भी डिसीजन लेगी, इन्वेस्टमेंट लेगी, तो उसके पास पर्याप्त रिजर्व है। और बोरोइंग देखिए, बोरोइंग कितना शार्प डिक्लाइन किया है, 107 था यहाँ से 46 करोड़ हो गया है, मतलब कि आधे से भी कम हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो गया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें प्रमोटर दोस्तों 70% आसपास स्टेक लेकर बैठा है, मतलब प्रमोटर को कंपनी में पूरा विश्वास है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि प्रमोटर का कॉन्फिडेंस स्टॉक में बहुत ही शानदार है। FII देखें तो 1.5% है, तो दोस्तों अभी कम देखने को मिल रहा है, हो सकता है आने वाले समय में ये भी बढ़ जाए, क्योंकि स्टॉक अभी न्यूली लिस्टेड है, 2024 मार्च में ही लिस्टेड हुआ है, ठीक है। और DII देखें दोस्तों तो यहाँ पे मैसिव 10.5% के आसपास यहाँ पे स्टॉक अभी से ही लेकर बैठी है, मतलब कि DII दोस्तों देश के ही इंस्टीट्यूशन होते हैं, इन्हें ज़्यादा बेटर पता होता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, ठीक है। तो इसी वजह से DII का इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन का 11% होल्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और प्रमोटर का बाकी 70%, यानी कि प्रमोटर सबसे ज़्यादा होल्डिंग लेकर बैठा है, मतलब प्रॉफिट भी होगा तो प्रमोटर को ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन है कि प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही शानदार है, FII भी है और DII भी मैसिव तरीके से यहाँ इन्वेस्टमेंट कर कर बैठे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से दोस्तों आप भी अपना इसमें एनालिसिस करके ही कोई डिसीजन लीजिएगा, और कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। और दोस्तों ये स्टॉक दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने 284 पे इसे चर्चा किया था दोस्तों, आप थंबनेल 1500% रिटर्न दे सकता है, ऐसा करके मैंने थंबनेल बनाया था, ठीक है। 1 मंथ एगो का वीडियो आप चेकआउट करके देख लेना, ठीक है, तो आपको शायद यकीन आए कि मैंने इस पे वीडियो बनाया है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों स्टॉक जो है अभी 500 के आसपास आ गया है, ठीक है, 500 आ गया है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 75% इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो मैं समय समय पर लाता रहता हूँ, तो इसका एनालिसिस बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करता हूँ। दूसरे चैनल्स पर आपको दोस्तों मेम्बरशिप फीस देकर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो इसी वजह से चैनल को अभी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन आपको लेट रिसीव होगा, तो
ये इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट में दोस्तों हो सकता है आपके कोई काम का ना रह जाए, इसीलिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री कंटेंट है तो कोई चिंता मत कीजिए, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।